कुछ नहीं, बस ऐसे ही शूट कर रहे थे। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? वर्षा, मैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। इंटरव्यू शूट था ऐसे, ये इंटरव्यू लेने वाली है मेरा। क्या बातें चल रही हैं? बैठ वहाँ पे। अब क्या हुआ, अब क्यों यार मेरे घर पे क्यों ड्रामा कर रहे हो? तो अब क्या तू वेट कर रही है कि यहाँ पे कैमरा मैन आएगा तो वो शूट देखना तेरे को? और क्या, जब यही बोला गया तो हम तो यही देखेंगे कि वो कौन सा कैमरे वाला और हम भी देखेंगे। हाँ, अच्छा। शूट करके दिखाओ, अगर आप यहाँ पे शूट करने आए हो। मुझे तो लगता नहीं कौन सा शूट करने आए हो, कभी वाइन बताते हो कभी कुछ बताते हो, मुझे कुछ और बता रहे हो, फिर वहाँ जाके इंटरव्यू, क्या करना क्या चाह रहे हो? चलो ठीक है, देखो सबसे बता रहा हूँ क्या क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है? और मुझे भी लगता है कि सच अगर बता भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी, चाहे झूठ बोलो सच बोलो, लेकिन ठीक है जो सोच रहे हो वही है। कोई शूट नहीं है यहाँ पे? और अगर झूठी क्यों बोल रहे थे कि भाई सूट है, सूट है। ठीक है अब, और वैसे भी गलत क्या है इसके अंदर? क्या गलत नहीं है, क्या गलत चार है? चार दिन पहले एक लड़की से बात करना कि रिश्ते, अपनी मम्मी से बात कर ले शादी के लिए, या तो आप मुझे पागल बना रहे थे या फिर आपको इसी से ही शादी करनी थी। अगर मैं पागल बनाता तो बात अलग थी। मैंने तो भाई तेरे को उसके आने से स्पेशली तेरे को मैंने पहले बोला है कि वर्षा घर में बात कर ले शादी की, कितनी बार तेरे को मैं एक चीज बोलूं, तेरे को समझ में नहीं आती? तो एकदम से मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। अभी तूने तो अंदर बोला ना कि हाँ चलो ठीक है घर वाले मानने से मनते हैं, तो उनको क्यों नहीं मनाया फिर तूने? आपने क्यों नहीं मनाया अपने घर वालों को कि टाइम दो थोड़ा, एकदम से शादी कहाँ होती है? आपने तो तुरंत टाइम, मैंने बोला टाइम दो, टाइम में आपने दूसरी ढूंढ ली। क्योंकि घर वाले भी नहीं मान रहे, जैसे तेरी माँ नहीं मान रही वैसे मेरे घर वाले नहीं मान रहे। जब ऐसा पहले था तो मेरे को बता देते। नहीं ऐसा पहले नहीं था, एकदम से हुआ जो भी चीजें हुई। वर्षा आप मेरे घर पे ये ड्रामा कर रहे हो, मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती है क्या? आप मेरे घर पे ही क्यों कर रहे हो ये ड्रामा, बाहर जाके करो ना। तुम्हारा घर वर्षा, ये तो मुझे लेके आया था कि हाँ शूट है, बोला कि मेरा घर है। हाँ झूठी निकलेंगे और क्या रहेगा, तो आपका घर है। अरे उसको मैंने ऐसे ही बोला, चलते अपने घर लेके चलता हूँ। देखा कितने झूठ, हर जगह झूठ। अरे ऐसे लड़के को तो पसंद कर रही है ना, बोलते हुए आ रहे हो। अब देखो जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी, अभी भी साथ दे रही है ये लड़की झूठ में भी। अरे तो यार मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैं उसको साथ नहीं दूंगी तो और किसका दूंगी? हाँ यार करो शादी तो मेरे घर में। मुझे नहीं पता था तुम्हारा घर है ये, और ये मुझे आपको के लिए से तो पता था ना कि ये हमारा घर है, और अब मेरी शादी होने वाली है उससे। मुझे ये सबसे क्या फर्क पड़ता है, अगर कुछ हो ना हो सबसे क्या फर्क पड़ता है, मेरी शादी होने वाली है उससे। यार मुझे ये चीजें मत दिखाओ मेरे आंखों के सामने, क्यों कर रहे हो? कहीं और स्पेस ले लो, पैसे मुझसे ले लो, नहीं है मेरे सामने क्यों दिखा रहे हो ये सब? बहुत पैसा तेरे पास है, वो भी घर में हमारे, दिला दे कोई फ्लैट फ्री में, कोई अपने घर ले जाओ ना, बहू होने वाली है घर की। अपने घर लेके जाओ, अपने घर अपने रूम में लेके जाओ। यहाँ क्यों दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो? अरे अपने घर लेके जा, हमारे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशली मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हो। देखो वर्षा तुम सब करना है तो अपने, तुम मरीज से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मैं कैसे भी बात करूँ, मैं अपने घर में कैसे भी बात कर सकती हूं? तुम्हारा मनीष पे, अब जो तुम उससे ऐसे बात करोगी वो मेरा होने वाला हस्बैंड है यार, तुम उससे ऐसे चिल्लान के बात कैसे कर सकती हो? चार दिन से तुम्हारा हक हो गया। आंटी समझा लो अपनी बेटी को, ठीक है? ये दूर रहे मनीष से और इसका डीएचएफ जाना बंद करवा दो, ठीक है? तो दूर ही है घर, ये हमारा है जहाँ तुम ये सब कर रहे हो जो हमने देखा है। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है, ये मुझे पता है ना। क्यों छुड़वा दो डीएचएफ, मुझे तो पता है ना। अरे क्यों छुड़वा दो डीएचएफ यार, मुझे मार मार दूंगी यार, मुझसे क्यों मार मार के दिखा ना, बताऊं अभी मार देगी तो आई चल के, चले बाहर निकाल इन दोनों को।
ऐसे कैसे बाहर निकाल दोगे? क्यों ना निकाल देंगे? क्यों निकाल दोगे बाहर? निकाल देंगे हैं? जाओ जहाँ रूम लेना है वहाँ जाओ, अपने घर में जाओ, मेरे यहाँ मत रहो। फालतू की मेरे मार बाट देगी ये सब सुनने बैठी हूँ मैं। अरे वो नहीं मारेगी, ऐसी बोल रही है वो। अच्छा तो यार ये सब बेइज्जती मैं सहने के लिए बैठी हूँ क्या यहाँ पे? मैंने बोला ही नहीं बैठो यहाँ पे, निकलो यहाँ से। वर्षा जरा तमीज से तब नहीं हो रही तमीज जब मुझ पे चढ़ के आ रही है। यार तुम ना ड्रामे मत करो पहली बात तो, ठीक है? ड्रामे आपने कर रखे हैं। ड्रामे तुम लोगों ने कर रखे हैं। ड्रामे तूने और तेरी माँ ने कर रखे ड्रामे। शादी इसको करनी नहीं है, तुमसे मेरी शादी होने वाली है और पता नहीं इसको प्रॉब्लम क्या हो जाती है। शादी करो जाके जाओ, बट मेरे सर पे तांडव मत करो। तेरे सर पे तांडव नहीं करा ना, अंदर से आराम से रूम में थे। बैठो जाओ, दोनों अंदर बैठो जाओ, मेरे सामने मत आओ। मैंने छोड़ दिया अभी, कल से मत आइयो। हाँ छोड़ दिया ना, बस अब चुप हो जाओ, अब आगे से बात मत करना। मनीषी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मनीषी? चलिए सब खत्म हो गया ना, निकलो निकलो यहाँ से। अब मैं सुबह निकलते हैं, निकलो। अबे रुक जा, तुम इस नाम की चीज नहीं है। तब ये क्या मतलब यार, ये सुनने के लिए बैठी हूँ क्या यहाँ पे? हो गया भैया ठीक है। दिखानी थी क्या? दिखानी थी दिखानी क्या? दिखा दिया ये चीजें दिखानी थी। चल मैं जा रहा। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको ये सीरीज? गाइस वैसे सीरीज का ना इसका एक पार्ट और भी था, लेकिन क्या हुआ है कि डाटा करप्ट होने की वजह से मेरा जो रॉ है वो करप्ट हो गया और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नहीं आ पाएगा। बट ये सीरीज यहीं पे एंड नहीं होती है, इसका एक पार्ट और भी है, यानी कि एक पार्ट मतलब एक सीजन और भी, जिसमें और भी वीडियोज होंगी, करीबन 5-6 और वीडियो और भी है। एंड जब तक आप वीडियो दे रहे हो तब तक ये सीरीज खत्म हो चुकी होगी। फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका होगा, सेकेंड पार्ट अभी आना बाकी है, तो उसका और वेट करो, क्योंकि तभी पूरा प्रैंक रिवील होगा वर्षा का, कि उसको कैसे पता लगा और क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो गाइज आपसे मैं नेक्स्ट सीरीज में मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।